सो है गाइस, आपका स्वागत करते हैं हमारे एक और नाइन फ्रेश एपिसोड में। तो गाइस, जैसे कि वीडियो का टॉपिक क्या है आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। हाँ गाइस, इस वीडियो में आपको टोटली ऐसे तीन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ जिससे कि गाइस आप एक अच्छे प्लेयर बन सकते हैं, मतलब खुद के गेम प्ले को ना परफेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो गाइस वीडियो का एक लाइन में मोरल मैं कहूँ मतलब कहूँ तो इस वीडियो का मोरल है कैसे आप एक अच्छे प्लेयर बन सकते हैं, कस्टम रूम हो या फिर रैंक हो। तो गाइस मेन में इस वीडियो में गाइस आपको कस्टम रूम के बारे में बताने वाला हूँ, ऐसे कोई रैंक पे नहीं, लेकिन गाइस सेम थिंग्स जो है ना रैंक पे भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन मैं बताने वाला हूं कस्टम रूम की बात। ठीक है, तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के वीडियो कर लेते स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा ट्रिक नहीं बताने वाला हूं जिससे कि आप प्रो बन जाओ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आप अपने गेम प्ले को परफेक्ट कर पाओ। ठीक है, तो गाइस अगर आपको परफेक्ट एंड प्रो के बीच में डिफरेंस नहीं पता तो गाइस आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट एंड प्रो। ठीक है, तो कैसे चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हम लोग का टॉपिक की तरफ। तो भाई लोग पहली पॉइंट की बात करें ना, डोंट वेयर लाइटिंग ड्रेस। तो इस आपको लग ही रहा होगा कि लाइटिंग ड्रेस से परफेक्ट बनने का क्या संपर्क है। तो कैसे सबसे पहले मैं आपको छोटा सा एक स्टोरी सुना देता हूँ जो कि मेरा ही गिल्डमेट का सूर्या का है। ठीक है, आपको पता ही है सूर्या का ये स्टोरी है। तो कैसे सूर्या क्या करता है गाइस, 69 लेवल है बंदे का, एंड जाहिर सी बात है कि भाई 69 लेवल के बंदे को हम लोग काफ़ी प्रो समझते हैं क्योंकि गाइस उसका एक्सपीरियंस गाइस काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि 69 लेवल है बंदे का। तो गाइस सूर्या क्या करता था पहले ना, बहुत लाइटिंग ड्रेस जो है पहन के जाता था। अभी क्या होता है उससे ना वो रैंक पे तो उसका काफ़ी फायदा हो जाता है क्योंकि रैंक पे थोड़ा सा लाइक मिल जाता था बच्चे को, 8-9 लाइक मिल जाता है रैंक पे, तो इसीलिए उसका लाइक तो बढ़ गया, गेम मतलब प्रोफाइल तो बन गया, लेकिन गाइस उसका गेम प्ले बेटर नहीं हुआ। उसका गाइस मूवमेंट स्पीड ही नहीं होता था जितना उसका होना चाहिए 69 लेवल का बंदे को। इसका गाइस मैं अगर मेन रीजन बताऊँ ना, उसका ड्रेस, उसका गाइस कॉन्फिडेंस एंड उसका ड्रेस। तो गाइस पहली बात तो ड्रेस है, उसका जो ड्रेस है ना एकदम घटिया है, सच में बता रहा हूँ। तो गाइस घटिया का बात नहीं है लेकिन गाइस ड्रेस काफ़ी मोटा है इसीलिए उसका मूवमेंट स्पीड काफ़ी स्लो होता है। अब मैंने सूर्या को सजेस्ट किया, भाई यार तू उतना मोटा ड्रेस नहीं पहना कर, एकदम नॉर्मल सी आदमी जो कि गाइस जैसा ड्रेस आप रियल लाइफ पे पहनते हो ना, रियल लाइफ पे एकदम नॉर्मल सी ड्रेस, वैसी नॉर्मल सी ड्रेस आपको पहन के कस्टम खेलना है। तो इससे आपको काफ़ी फायदा होगा, आपका मूवमेंट स्पीड काफ़ी ठीक हो जाएगा। तो गाइस मैंने सूर्या को कहा, अभी सूर्या का गेम प्ले जो है ना पहले से बहुत बेटर है। तो गाइस सेम चीज़ ना आपके गेम प्ले पे भी लागू होता है गाइस। मैं आपको पहले ही बता दूँ कि भाई प्रो दिखना और प्रो बनने में काफ़ी डिफरेंस है गाइस। अगर आप प्रो दिखते हो लेकिन आपका गेम प्ले एक प्रो जैसा नहीं है तो गाइस सच बता रहा हूँ आपको गालियाँ पड़ने वाली है, मेरे से नहीं आपके दोस्तों से आपको गालियाँ पड़ने वाली है, एंड गाली देंगे भी, आपका दोस्त आपको गाली देते भी है। लेकिन अगर आप प्रो दिखते नहीं हो लेकिन आपका गेम प्ले प्रो है तो गाइस इन फ्यूचर एंड प्रेजेंट में आपको काफ़ी रेस्पेक्ट मिल रहे हैं, आप मानो या ना मानो आपको काफ़ी रेस्पेक्ट मिलते हैं क्योंकि गाइस आपका गेम प्ले गाइस टू गुड है। भाई प्रोफाइल नहीं है लेकिन आपका गेम प्ले सही है, इससे आपको काफ़ी जो है रेस्पेक्ट मिलता है। तो गाइस आई होप कि आपको पहली पॉइंट ना भाई मेरा मोरल समझ में आया, इस पॉइंट को गाइस डीपली मतलब आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लग गया आप लोग समझदार हो। एंड पहली पॉइंट जो मैंने एग्जांपल दिया ना, एग्जांपल आप समझ गए होंगे कि भाई हमको कभी भी लाइटिंग एंड भारी ड्रेस नहीं पहनना है, आदमी जैसा ड्रेस पहनना है जो कि हम लोग रियल लाइफ पे पहनते हैं। तो गाइस पहली पॉइंट यहीं पर करते हैं ख़त्म। तो गाइस चलिए हम लोग बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो भाई लोग सेकेंड पॉइंट की बात करें ना गाइस, सेकेंड पॉइंट है गाइस कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना है। सेटिस्फाइड का मतलब कोई दूसरे वे पे मत ले जाना, ये गेम में गाइस खुद का गेम को देख के सेटिस्फाइड होना है। तो गाइस हम लोग पहली गलती करते हैं कि हम लोग खुद के गेम प्ले देख के ना सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि भाई मेरा गेम प्ले काफ़ी बेटर है एंड काफ़ी पीरो है, इससे बेटर है उससे बेटर है, तो हम लोग गाइस अपने गेम प्ले देख के सेटिस्फाइड हो जाता है। तो गाइस उसी टाइम ना हम लोग का गेम प्ले पे लग जाता है फुल स्टॉप। बिकॉज व्हाट इज़ द रीज़न गाइस, हम लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं खुद के गेम प्ले पे, इसलिए हम लोगों को मन ही नहीं करता है कि और थोड़ा प्रैक्टिस करे। मन तो बोलता है भाई, हम लोग तो चाहते हैं कि भाई थोड़ा प्रैक्टिस करे, लेकिन मन बोलता है भाई क्या करेगा प्रैक्टिस करके, तू तो भाई एकदम प्रो है, तू तेरा तो गेम प्ले एकदम सेटिस्फाइड लेवल का गेम प्ले है, तू भाई यार गेम प्ले दिखा के क्या करेगा और प्रैक्टिस करके क्या कर लेगा। तो गाइस हम लोग नॉर्मल सी बात है, एक करते क्या है, मान लीजिए कि कभी कभी हमने मतलब वांटम मारना सीखा या फिर ग्लूअल लगा के पैक करना सीखा खुद को, तो हम लोग क्या जाहिर सी बात है कस्टम लगा के प्रैक्टिस करते या फिर किसी को मार के ट्राई करते हैं, नॉर्मल सी सब करता है। कोई कोई नया चीज़ हम लोग जब सीखते हैं ना तो हम लोग ऐसे करते हैं। तो आप मान लीजिए कि आपने किसी को एक को मार के एक ग्लूअल लगा के खुद को पूरा पैक कर दिया, पैक पूरा परफेक्ट हुआ है, थोड़ा सा भी गैप नहीं है, तो आप भाई एकदम मतलब प्रो अखंड पीरो, आप खुद का गेम प्ले से इतना सेटिस्फाइड हो जाओगे कि क्या ही बोले, कुछ बोलने का कोई जरूरत नहीं है, खुद का गेम प्ले से आप इतना सेटिस्फाइड हो जाओगे कि आप खुद ही को मानने लगोगे कि भाई मैं तो प्रो प्लेयर हूँ। तो इसमें लग गया एक और बार आपके गेम प्ले पे फुल स्टॉप, जिससे कि गाइस आप तो प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, खाली जस्ट गेम खेलोगे।
मतलब प्रैक्टिस करोगे ही नहीं, खाली जस्ट नॉर्मल कस्टम्स खेलो, तो गाइस ऐसे नहीं होगा भाई लोग, आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, मतलब आपको सेटिस्फाइड कभी भी अपना गेम प्ले पे नहीं होना है। अब मान लीजिए कि आप लोग आपने सेकेंड टाइम जो है अपना ग्लूअल लगाया, मतलब ग्लूअल से पैक किया एंड थोड़ा सा गैप रह गया, तो गाइस आप तो भाग के देखोगे पहले उधर की मैं उधर से निकल पा रहा हूँ, तो आप देखोगे इधर से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, तो गाइस मान लीजिए कि आपने सोच लिया कि भाई यार ये परफेक्ट पैक हो गया, अब उससे आप निकल नहीं पा रहे, उस गैप से गोलियां आ सकते हैं, मतलब जो एमओ है बुलेट बुलेट उधर अंदर से आ सकते हैं, हम लोगों को डैमेज कर सकता है, तो गाइस पहले हमको परफेक्ट करके उसको परफेक्ट करना, मतलब प्रैक्टिस करके उसको परफेक्ट करना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं। पहले जो ना खुद का गलतियाँ को पकड़ के खुद का गेम प्ले को परफेक्ट बनाओ, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना, आप कितने भी अच्छे प्लेयर बन जाओ लेकिन आपको सेटिस्फाइड नहीं होना है। राइस्टर जो सबसे अच्छा मतलब वन ऑफ द फास्टेस्ट प्लेयर माना जाता है, वो भी कभी अपना गेम प्ले से मुझे पता नहीं लेकिन गाइस जितना लगता है सेटिस्फाइड नहीं होता है, गाइस वो हो या फिर ना हो लेकिन आपको कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना है। अगर आप सेटिस्फाइड हो गए तो आपका गेम प्ले पे लग जाएगा फुल स्टॉप, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, एक नहीं तो दूसरा ट्रिक, दूसरा नहीं तो तीसरा ट्रिक, ऐसे आपको प्रैक्टिस करते रहना है, हर एक चीज़ गाइस आपको अप्लाई करते रहना है आपका गेम में, ठीक है। तो गाइस सेकंड पॉइंट आई होप कि आपको समझ में आया है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो भाई लिटरली बोल लो, आप वीडियो को फिर से गाइस बैक करके आप स्लो मोशन में देखो, गाइस इससे ज़्यादा डिटेल्स में मैं आपको नहीं बता सकता, बताने जाऊंगा तो भाई वीडियो 10 मिनट 12 मिनट का हो जाएगा, जिससे कि गाइस आप ही लोग कमेंट करोगे कि भाई वीडियो इतना बड़ा हो जा रहा है, इतना मत हजाया कर वीडियो के अंदर, तो भाई इसीलिए मैं शॉर्ट पे गाइस फिर भी काफ़ी सारा पॉइंट तो गाइस बहुत सारा है लेकिन गाइस वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाए इसीलिए नहीं बता सकते, आप लोगों के पास तो टाइम ही नहीं है ना वीडियो देखने की, तो गाइस फिर भी मैं बात कर रहा हूँ। तो गाइस चलिए बढ़ते हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो भाई लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है सोलो वर्सेस स्क्वाड, तो गाइस सोलो वर्सेस में दो टॉपिक आते हैं, एक गाइस कभी कभी होता है कि हमारे स्क्वाड पे चार बंदे हैं ओपोनेंट स्क्वाड पे एक बंदा रहता है, एंड कभी कभी ये भी होता है कि हमारे स्क्वाड पे एक बंदा है ओपोनेंट स्क्वाड पे चार बंदा रहता है, तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोगों का स्क्वाड पे चार बंदा है ओपोनेंट पे एक बंदा रहता है तो क्या होता है, तो गाइस नॉर्मल सी बात है कि अगर ओपोनेंट पे एक बंदा रहेगा तो गाइस हम लोग काफी आराम से उसके ऊपर रश करेंगे एक एक करके हो या फिर स्क्वाड लेके हो, तो गाइस यही हम लोग गलती करते हैं कि हम लोग एक एक करके उसके ऊपर रश करते हैं और एक करके हम लोगों को मारता है ना, मतलब पूरा स्क्वाड जो है खत्म हो जाता है, तो गाइस इस टाइम पे आपको थोड़ा सुधारना है गेम प्ले को एंड एक साथ रश करो तो सही है लेकिन एक एक करके कभी भी रश मत करो, या फिर मान लो तो रश ही मत करो क्योंकि आपके हाथ में गेम है, आपको रश नहीं करना, ठीक है। तो गाइस मेरा जो मोटिव तक कहने का गाइस आप समझ जाओ, आप लोग क्या करते हो कभी कभी मान लो कि एक बंदा है वो बंदा तो गाइस कभी कभी मतलब उसके पास अगर कॉन्फिडेंस रहा वो दिमाग से खेलेगा तो गाइस वो कभी भी आपके ऊपर रस नहीं करेगा, वो जितना हो सके उतना बैकफुट पे भागे, आप क्या करोगे कि आप ग्लूअल नहीं लगा के उसके पीछे भागते रहते हो, अब वो बंदा तो भाई थोड़ा सियाना है भाई, वो निकल के गाइस एक बंदे को डाउन कर देगा एंड उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना एकदम हाई लेवल का चला जाएगा, फिर आप लोग क्या करोगे एक बंदा रिवाइव करने जाएगा दो बंदा उसके ऊपर रस करने जाएंगे, वो पूरा स्क्वाड को ऐसे करके मार सकता है, वो बैकफुट पे जितना भागेगा उतना आपको वो मार सकता है, आप लोग ग्लूअल नहीं लगा के उसके ऊपर मैं देखता हूँ सब लोग रस करते हैं, ये सबसे बड़ा गलती है, ये आपको नहीं करना है, इससे कि गाइस होता क्या है आपका खुद का स्क्वाड हार जाएगा, एक राउंड आप लोग हार गए, ठीक है। इससे गाइस एक राउंड सिर्फ हारे नहीं आप पूरा मैच हार गए सोच लीजिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस जाता है ना गाइस, आप सोच ही लेते हो कि भाई हम लोग चारों मिलके एक बंदे को नहीं मार पाए, मैच क्या जीतेंगे, कहाँ जीतेंगे मैच, कॉन्फिडेंस चला जाता है। अब गाइस बात करेंगे कि मान लीजिए कि आपके स्क्वाड में एक बंदा है ओपोनेंट पे चार बंदा है तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो गाइस अगर ओपोनेंट पे चार बंदा रहा आपके स्क्वाड में एक बंदा रहा तो हम लोग नॉर्मल सी बात क्या गलतियां करते हैं, आप हम लोग अगर मर गए ना तो टीममेट को काफ़ी सारा ज्ञान देते हैं, तो गाइस ज्ञान आपको टीममेट को देना नहीं है कि भाई तू राइट पे जा लेफ्ट पे जा घर के ऊपर जा इधर रहे उधर रहे इधर कवर ले उधर कवर ले, ऐसे नहीं देना है, अगर आपको ज्ञान देना है तो गाइस खाली बोलो भाई तू कर सकता है, कॉन्फिडेंस उसका हौसला बढ़ाओ, बोलो भाई तू कर सकता है तू मार सकता है ऐसे बोलो, फिर भी अगर आपको ज्ञान ही देना है तो गाइस आप अपना माइक ऑफ करके जितना मर्जी उतना ज्ञान दो, ऐसे गाइस आपको ज्ञान नहीं देना है इससे कि गाइस वो और भी दिक्कत में आ सकता है, ठीक है। तो आपको ऐसे वैसे ज्ञान नहीं देना है जिससे कि गाइस आपका टीममेट का हौसला चले जाए, आपको हौसला बढ़ाने वाला चीज़ जो है देना है अपने टीममेट को, ऐसा ज्ञान देना है। तो गाइस बेसिकली यही तीन टॉपिक को यानी तीन पॉइंट्स को मुझे इस वीडियो में प्रेजेंट करना था एंड गाइस मैंने प्रेजेंट कर दिया, जो कि गाइस तीन पॉइंट जो है मुझे प्रेजेंट करते करते 9 मिनट लग गए एंड गाइस पॉइंट तो काफ़ी सारा है जिससे कि गाइस वीडियो और भी बड़ा हो सकता था, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ तीन ही पॉइंट को बोला है एंड गाइस अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं पार्ट टू बनाऊँ तो गाइस कमेंट पे जरूर बताना। तो गाइस बेसिकली वीडियो इतना तक था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल्सो गुड बाय एंड सॉरी गाइस मैंने पहले भी बोलना भूल गया अभी भी बोलना भूल जा रहा हूँ, गाइस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करके जाना, तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।